प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को शैलेंद्र भारती का जय श्री राम। आइए प्रभु श्री राम की कृपा से प्रारंभ करते हैं रामचरितमानस का सुंदर कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान श्री सुंदर कांड। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वंदेहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूं। नान्यास्प्रहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादि दोष रहितं कुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानुं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाद जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान, जय
जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगे मोहि परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवौ सीतहि देखी, होइ हि काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कहि नाई सबनि कहु माथा, चले उ हर्ष हि यधरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। जेह गिर चरण दे हनुमंता, चले उसुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले उ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैना कहो हि श्रमहारी। हनुमान तेहि परसा कर, पुनि कीन्ह प्रणाम। सिया राम राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। सिया राम जाम भगवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ये कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहां। सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन कै माता, पठियनियाय कही तेहि बाता। आज सुरन मोहि दीन अहारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनावो। तब तब बदन पैठी हऊ आई, सत्य कहाऊ मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहेउ हनुमाना। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन बेस्तारा। सो रह जो जन मुखते ही ठयो, तुरत पवन सुत बत्तिस भयो। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मागा विदाता ही सिरु नावा। मोहि सुरन जेहि लागि पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। राम काज सब करि हहु तुम बल बुद्धि निधान। सिया राम आशीष दे गई सो, हर्ष चले उ हनुमान। सिया राम हमारे राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा,
उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर अर्थात चार कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का कर लिया। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन अर्थात 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। चरि एक सिंधु महु रहई, करि माया नभु के खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनके परिछाही, गहई छाह सक सो न उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहि जीन्हा, ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयौ मति धीरा, तहां जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा, नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखि मन भाय, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाय चढ़े उभय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिर पर चढ़ि लंका तेहि देखी, कहिन जाय अति दुर्ग विशेषी, अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु अर्थात पुष्प रस के लोभ से भौंरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट्ट हट्ट
तसु बट बीधि चारु पुर बहु विधि बना गज बाज खचर निकर पद चर रथ बरु धनि को गने बहु रूप निसिचर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने बन बाग उप बन बाटिका सरकूप बापी सोहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि कहूँ माल देह विशाल सैल समान अति बल गर्ज ही नाना अखारिन भिरहि बहु विधि एक एकन तर्जहि करि जतन भट कोटिन बिकट तन नगर चहुँ दिसि रक्षहि कहूँ महिष मानुष धेनु खर अज खल निसाचर भच्छहि एहि लागि तुलसीदास इन्ह की कथा कछु एक है कही रघुबीर सर तीरथ शरीरनि त्यागी गति पैहि सही पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार सियारा अति लघु रूप धरौं निसि नगर करो पैसार सियारा हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं, सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बगीचे फुलवाड़ी तालाब कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल अर्थात पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। सक समान रूप कपि धरि लंक ही चले सुमिरि नर हरि नाम लंकिनी एक निसचरी सो कह चले सिमोहि निंदरी जाने ही नहीं मरमो सठ मोरा मोर आहार जहां लगि जोरा मुठिका एक महा कपि हनि रुधिर बमत धरनी धन मनि पुन संभारी उठी सो लंका जोरी पानी कर विनय ससंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा चलत बिरंचि कहा मोहि चीन्हा विकल हो सित कपि के मारे तब जाने सुनिसिचर संहारे तात मोर अति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता तात स्वर्ग अपवर्ग सुख
धरिय तुला एक अंग सिया राम तूलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत संग सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हनुमान जी मच्छर के समान अर्थात छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे कहां चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकवि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की ये पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के संग से होता है। नगर की जे सब काजा हृदय राखी कोसलपुर राजा करल सुधार करहि मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई गरुड़ सुमेरु रेनु समताही राम कृपा करि चित बाजाहि अति लघु रूप धरेउ हनुमाना बैठा नगर सुमिरि भगवाना मंदिर मंदिर प्रति करि सोधा देखे जहां तहां अगणित जोधा गयौ दसानन मंदिर माही अति विचित्र कहि जात सुनाही सयन किए देखा कपिते ही मंदिर महु न दीख बैदे ही भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तह भिन्न बनावा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनि न जाय सिया राम नव तुलसिका वृंद तह देखि हर्ष कपि राय सिया राम अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज जी श्री हनुमान हर्षित हुए। राम जी
का निसेचर निकर निवासा, इहा कहां सज्जन कर बासा। मन महु तरक करै कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेह सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हठ करि हौ पहचानी, साधु ते होइ न कारज हानि। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। करि प्रणाम पूछी कुसलाई, विप्र कहहु निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सब, राम कथा निज नाम सिया राम। सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुन ग्राम सिया राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां साधु पुरुष का निवास कहां? हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण ने राम नाम का स्मरण अर्थात उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हठ करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए अर्थात पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसननि महु जीभ बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहि संता। जौ रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर सिया राम। कीन्ही कृपा सुमीर गुन, भरे बिलोचन नीर सिया राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी अर्थात राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते।
जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हठ करके दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूं? अरे चंचल वानर हूं और सब प्रकार से नीच हूं। प्रातः काल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उसे उस दिन का भोजन तक न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूं पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। एहि विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच बेश्रामा। पुन सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, देखी चहूं जानकी माता। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले उपवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयौ पुनि तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। देखि मनहि महु कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीति जात निस जामा। कृस तनु शीस जटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन सिया राम। परम दुखी भा पवन सुत, देखि जानकी दीन सिया राम। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी अर्थात श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों? इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों का कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय यानी परम शांति प्राप्त की। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन में वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती है। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। देहि अवसर रावण तहां आवा, संग नारी बहु किए बनावा। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। कह रावण सुनु सुमुखि सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। त्रिन धरि ओट कहति वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु कि नलिनी करै विकासा। असमन समुझ कहति जानकी, खल सुध नहि रघुबीर बानकी। सठ सुने हरि आनहि मोहि, अधम निलज्ज लाज नहि तोही। आपु ही सुनि खद्योत सम,
राम ही भानु समान सिया राम परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोल अति खिसियान सिया राम हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखे, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, ये मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है? जानकी जी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले, रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है, रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है, रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती? अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, हमारे राम जी से राम राम जी हनुमान। सीता तै मम कृत अपमाना, कठि हौं तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मानु मम बानी, सुमुखी होति न त जीवन हानि, श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करि कर सम दस कंधर, सो भुज कंठ की तव असि घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा, चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, सीतल निसित बहसि बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा, सुनत बचन पुनि मारन धावा, मय तनया कहि नीति बुझावा, कहसि सकल निसि चरिन बुलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकाढ़ कृपाना, भवन गयउ दस कंधर, यहाँ पिसाचिनी बृंद सिया राम, सीत ही त्रास दिखा वही, धर ही रूप बहु मंद सिया राम, हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले, हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दीवानी की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा, जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। ये कहकर रावण घर चला गया। यहां राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगी। हमारे राम जी से राम राम।
त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुन विवेका, सब नौ बोली सुनाएसी सपना, सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिसि जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई, यह सपना मैं कहाँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी, दासु बचन सुनिते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी, जहाँ तह गई सकल तब सीता कर मन सोच, सियारा मास दिवस बीते मोहि, मारी ही निसचर पोच, सियारा में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक और ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुड़े हुए हैं, 200 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण अर्थात यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूं कि यह स्वप्न 4 अथवा कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके विचार सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। तब इसके बाद वे सब जहां तहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगीं कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगिनि तै मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दुसह बिरहु अब नहीं सही जाई, आनि काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनै कुश्रवन सूल समबानी, सुनत बचन पद गहि समुझाइस, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाइस, निसिन अनल मिल सुनु सुकुमारी, अस कहि सो निज भवन सिधारी, कह सीता विधि भा प्रतिकूला, मिलहिन पावक मिटिहिन सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवनिन आवत एक उतारा, पावक मय ससि स्रवत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम सोका, नूतन किस लय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिहि कल्प सम बीता, कपि करि हृदय विचार, दीन्ही मुद्रिका डारि, सब जनु अशोक अंगार, दीन हर्षे उठि कर गहे, सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं, विरह असह्य हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता, काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे, हे माता फिर उसमें आग लगा दे, हे सयानी तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे।
रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से कौन सुने। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया, न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं, अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीत रहा था। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। ये समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी, जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असि रच नहीं जाई, सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोले उ हनुमाना, राम चंद्र गुन बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई, श्रवणामृत जेहि कथा सुहाई, कही सो प्रगट होती किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो, राम दूत मैं मातु जान की, सत्य सपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन ही राम तुम कह सही दानी, नर बानर ही संग कहूं कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। कपि के बचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास सियाराम, जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास सियाराम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी। वे सोचने लगी, श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है, और माया से ऐसी माया के उपादान से सर्वथा रहित दिव्य चिन्मय अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। वे श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर अब तक की सारी कथा कह सुनाई। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिर कर अर्थात मुंह फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूं, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूं। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूं, श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह निशानी दी है। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ था वह सब कथा कही।
हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावलि बाढ़ी, कूड़त बिरह जलधि हनुमाना, भय हुतात मो कहु जल जाना, अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी, कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरी निठुराई, सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतल ताता, होइ हहि निरखि श्याम मृदु गाता, बचन नाव नयन भर बारी, अह नाथ हौ निपट बिसारी, देखि परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता, जनि जननी मानहु जियउ ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना, रघुपति कर संदेसु अब सुनु जननी धरि धीर, सिया राम अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर, सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। भगवान का सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए, मैं बलिहारी जाती हूं, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो, श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है? सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है, वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे? मुंह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल है, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, श्री राम जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गद गद हो गए, उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहु सकल भये विपरीता, नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निसा सम निसि ससि भानु, बलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा, जे हित रहे करत ते पीरा, उरग स्वास सम त्रिविध समीरा, कहे हुते कछु दुख घटी होई, काहि कहो यह जान न कोई, तत्व प्रेम कर ममारु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुख दाता, उर आनहु रघुपति प्रभु ताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई।
तुलसी चरण कर पतंग सम रघुपति बान कृसानु सिया राम जननी हृदय धीर धरु जरे निसाचर जानु सिया राम हनुमान जी बोले श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान रात्रि काल रात्रि के समान चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं त्रिविध अर्थात शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है पर कहूं किससे यह दुख कोई जानता नहीं हे प्रिये मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा तेरे पास रहता है बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई उनके शरीर की सुध न रही हनुमान जी ने कहा हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान जो रघुवीर होते सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुराय राम बाण रवि उए जान की तम बरूत कह जातु धान की अब ही मां तो मैं जाऊं लबाई प्रभु आय सुनहिं राम दुहाई कछुक दिवस जननी धरु धीरा कपिन सहित आई है रघुबीरा इसि चर मारि तो हिलय जय ही तिहुपुर नार दादि जसु गयही है सुत कपि सब तुम्हें समाना जातु धान अति भट बलवाना मोरे हृदय परम संदेहा सुनि कपि प्रगट कीन्हि निज देहा कनक भूधरा कार सरीरा तमर भयंकर अति बलवीरा दीता मन भरोस तब भयऊ पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ सुनु माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल सिया प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते हे जानकी जी राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकती है हे माता मैं आपको अभी यहां से ले आ जाऊं पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है मुझे उनकी आज्ञा नहीं है अतः हे माता कुछ दिन और धीरज धरो श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहां आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे सीता जी ने कहा हे पुत्र सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे राक्षस तो बड़े बलवान और योद्धा हैं अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया सोने के पर्वत अर्थात सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ हनुमान जी ने फिर से छोटा रूप धारण कर लिया और कहा
हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा जाता है, अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। संतोष सुनत कपि बानी, भक्ति प्रताप तेज बलसानी, आशीष दीन ही राम प्रिय जाना, होहु तात बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाय सिपद सीसा, बोला बचन जोरी कर की सा, अब कृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मा तुम हि अतिशय भूखा, लागि देख सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि बिपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, तिन कर भय माता मोहि नाहि, जो तुम सुख मानहु मन माही, देखि बुद्धि बल निपुन कपि, कहेउ जानकी जाहु सिया राम, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो, हे पुत्र, तुम अजर अर्थात बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो, श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया, आपका आशीर्वाद अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। खाए से तरु तो रे लागा, रहता बहु भट रखवारे, कछु मारे से कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए से फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे, सुन रावण पठाए भट नाना, तिन्हि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अधमारे, पुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संग लै सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गहि दर्जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा, कछु मारे सि कछु मर देसी, कछु मिलै सि धरि धूरि सिया राम, कछु पुनि जाय पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरि सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे।
वहां बहुत से योद्धा रखवाले थे। उनमें से कुछ को मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है। उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए, वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। ये सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। बदलंग केस रिसाना, पठैसि मेघनाद बलवाना, मारस जन सुत बांध सुताही, देखिय कपिहि कहां कर आही। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ कीन्ह लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके संगा, गहि गहि कपि मर दै निज अंगा, तिन्हहि निपाति ताहि सन बाजा, भिरे जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठि बहोरि कीन्हि सि बहु माया, जीति न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म अस्त्र तेहि सांधा, कपि मन कीन्ह विचार सिया राम, जौन ब्रह्म सर मानौ महिमा मिटै अपार सिया राम। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने जेठे पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा, हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध कर लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहां का है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़े। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज अर्थात श्रेष्ठ हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठाकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। बान कपि कहते ही मारा, परति हूँ पार कटक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयो, नाग पास बांधे सि ले गयो, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बंध तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपि ही बंधावा, कपि बंधन सुनि निसिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दीख कपि जाई, कहिन जाई कछु अति प्रभुताई,
कर जोरे सुर दिसिप बिनीता भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता देखि प्रताप न कपि मन शंका जिमि अहि गन महु गरुड़ असंका कपि बिलोकि दसालन दिह सकहि दुर्बाद सियाराम सुत बध सुरति कीनि पुनि उपजा हृदय विषाद सियाराम उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा जिसके लगते ही वे वृक्ष के नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जपकर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार अर्थात जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े और कौतुक के लिए तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी, उसकी अत्यंत प्रभुता अर्थात ऐश्वर्य कुछ कही नहीं जाती। देवता और दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निःशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निःशंक निर्भय रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा, फिर पुत्र वध का स्मरण किया तो उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। केस कवन तै की सा केह के बल घाले बन की सा की भौ श्रवण सुने ही नहीं मोही देखाऊं अति असंख सठ तो ही मारे निसचर के ही अपराधा कहु सठ तो ही न प्राण कई बाधा सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया पाई जासु बल बिरचति माया जाके बल बिरंचि हरीसा पालत सृजत हरत दस सीसा जाबल सीस धरत सहसानन अंड कोस समेत गिर कानन धरई जो विविध देह सुर त्राता तुमसे सठन सिखावनु दाता हर को दंड कठिन जेहि भंजा तेहि समेत नृप दल मद गंजा खर दूषण त्रिसिरा अरुबाली बधे सकल अतुलित बलशाली जाके बल लवलेश ते जिते चरा चर झार सियाराम तासु दूत मैं जा करी हरियाने हु प्रिय नार सियाराम लंकापति रावण ने कहा, रे वानर तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को वजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निःशंक देख रहा हूं। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फणों वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिशिरा और बाली को मार डाला जो सबके सब अतुलनीय बलवान थे,
जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से हर लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूं। बाहु सन परी लराई समर बाल सन कर जसु पावा सुनि कपि बचन बिहस बिहरावा खाय हूँ फल प्रभु लागी भूखा कपि सुभाव ते तोरे उरूखा सबके देह परम प्रिय स्वामी मारहि मोहि कुमारग गामी जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे देह पर बांधे उतनय तुम्हारे मोहि न कछु बांधे कैला जा कीन्ह चहौ निज प्रभु कर काजा बिनती करौ जोर कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखहु तुम निज कुलहि विचारी भ्रम तज भजहु भगत भयहारी जाके डर अतिकाल डिराई जो सुर असुर चरा चर खाई तासु बयरु कबहु नहीं की जय मोरे कहे जान की दी जय प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरार सियाराम गए शरण प्रभु राखी है तब अपराध विसार सियाराम तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूं। सहस्त्रबाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के मार्मिक वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए और वानर स्वभाव के कारण वृक्ष तोड़े। हे निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझको बांध लिया किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सीख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जो देवता राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने से जानकी जी को दे दो। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। चरण पंकज उर धर हो लंका अचल राजू तुम कर हो ऋषि पुलस्त जसु विमल मयंका तेहि ससि महु जनि हो कलंका राम नाम बिनु गिरा न सोहा देखु विचारि त्यागी मद मोहा वसन हीन नहि सोह सुरारी सब भूषण भूषित बर नारी राम विमुख संपति प्रभुताई जाई रही पाई बिनु पाई सजल मूल जिन सरितन नाही बरश गए पुनि तब ही सुखाही सुन दस कंठ कहाँ पन रोपी विमुख राम त्राता नहीं कोपी संकर सहस विष्णु अज दोही सकहि न राखी राम कर द्रोही मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हुतम अभिमान सियाराम भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान सियाराम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा में तुम कलंक न बनो। राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं पाती,
मद मोह को छोड़कर विचार कर देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बरसात ही आसरा है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं और कहता हूं कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह ही जिनका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। यद्यपि कहि कपि अति हित बानी, भगति विवेक विरति नयसानी, बोला बिहसि महा अभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सि अधम सिखावन मोही, उल्टा हो ही कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना, सुनि कपि वचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निसाचर मारन धाए, सचिवन सहित विभीषण आए, नाइ शीस कर विनय बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछ करिय गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सुनत बिहस बोला दस कंधर, अंग भंग कर पठियई बंदर, कपि के ममता पूछ पर, सब ही तहाँ समुझाई, सिया राम तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाई, सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी कही, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला, रे दुष्ट तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अधम मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात मृत्यु तेरी निकट आई है, मेरी नहीं, ये तेरा मति भ्रम है, मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया और बोला अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पहुंचे। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, यह नीति के विरुद्ध है, हे गोसाई कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई ये सलाह उत्तम है। ये सुनते ही रावण हंसकर बोला अच्छा अच्छा, तो बंदर को अंग भंग करके लौटा दिया जाए। मैं सबको समझा कर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर इसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। छहीन बानर कह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई, जिन कै कीन हसी बहुत बड़ाई, देखौ मैं तिन कै प्रभुताई, वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना, जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूढ़ सोई रचना, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी,
बाजहि ढोल देहि सब तारी नगर फेरि पुनि पूछ प्रजारी पावक जरत देखि हनुमंता भयउ परम लघु रूप तुरंता निबकि चढ़ेउ कपि कनक अटारी भई सभीत निसाचर नारी हरि प्रेरित तेहि अवसर चले मरुत उनचास सियाराम अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़ि लाग आकास सियाराम जब बिना पूंछ का ये बंदर अपने स्वामी के पास जाएगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं। ये वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले मैं जान गया सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी हंसी करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से उनचासों पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। साल परम हरुआई मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई जरई नगर भालोग बिहाला झपट लपट बहु कोटि कराला तात मातुहा सुनिय पुकारा एहि अवसर को हम ही उबारा हम जो कहा यह कपि नहीं होई वानर रूप धरे सुर कोई साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरई नगर अनाथ कर जैसा जारा नगर निमिष एक माही एक विभीषण कर ग्रह नाही ताकर दूत अनल जेह सिर जा जरा न सोते ही कारण गिर जा उल्टी पलटी लंका सब जारी कूदी परा पुन सिंधु मझारी बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरि सियाराम जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरि सियाराम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये वानर नहीं है, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। एक विभीषण का घर नहीं जलाया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला दी और फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। मातु मोहि
कीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ा मनि उतारी तब दयौ, हर्ष समेत पवन सुत लयौ। कहेहु तात अस मोर प्रनामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। तीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समझाए हो। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना। तो ही देख सीतली भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन सियाराम। चरण कमल सिरु नाई कपि, गवन राम पहि कीन सियाराम। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ा मणि उतार कर दी। हनुमान जी ने उसको हर्ष पूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरद है और मैं दीन हूं। अतः उस विरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीती ना पाएंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं? हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। महाध्वनि गर्ज सि भारी, गर्भ स्रवहि सुनि निसि चर नारी। नाग सिंधु एहि पार रही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। हर्षे सब बिलोकि हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे सि राम चंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिमिबारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगत सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब वन उजार, जुबराज सियाराम। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज सियाराम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द अर्थात हर्ष ध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य कर आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब
सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जौन होती सीता सुधि पाई मधुबन के फल सकहि कि खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा आई गए कपि सहित समाजा। आई सबहनि नावा पद सीसा मिले उ सबहनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु कीन है उ हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेउ कपिन सहित रघुपति पहि चलेउ। राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मन हर्ष विशेषा। फटिक सिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाई। प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा पुंज सिया राम। पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज सिया राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुवन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी, तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ। हे नाथ, हनुमान ने सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जामवंत कह सुन रघुराया जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनय गुण सागर तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयो सब काजु जन्म हमार सुफल भा आजु। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी सहसहु मुख न जाय सो बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए पुनि हनुमान हर्ष ही लाए। कहु तात के ही भांति जान की रहति करति रक्षा स्व प्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट सिया राम। लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट सिया राम। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशलता है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं।
वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका हजार मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जांबवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती और अपने प्राणों की रक्षा करती हैं? हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ है प्रभु। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है, फिर प्राण जाएं तो किस मार्ग से। हमारे राम जी से राम राम, जी हनुमान। चलत मोहि चूड़ा मनि दीनी, रघुपति हृदय लाय सोई लीनी। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। अनुज समेत गहे हु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रण तारति हरना। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केही अपराध नाथ हो त्यागी। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न कीन्ह पयाना। नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करहि हठि बाधा। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, श्वास जरै छन माहि शरीरा। नयन स्रवहि जलु निज हित लागी, जरे न पाव देह बिरहागी। सीता के अति विपति विशाला, बिनहि कहे भलि दीन दयाला। निमिष निमिष करुणा निधि, जाहि कल्प सम बीति सिया राम। वेग चलिय प्रभु आनिय, भुज बल खल दल जीति सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुखों को हरने वाले हैं और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूं। फिर स्वामी ने मुझे किस अपराध से त्याग दिया? हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूं कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए। किंतु हे नाथ, यह तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार पवन और अग्नि का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वह बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीतता है, अतः हे प्रभु, तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। सुनि सीता
पिता दुख प्रभु सुख अयना भरियाए जल राजीव नयना बचन काय मन मम गति जाहि सपने हु बूझिय विपति किताहि कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई केतिक बात प्रभु जातु धान की रिपुहि जीति आनी भी जान की सुन कपितो हि समान उपकारी नहीं को सुर नर मुनि तनु धारी प्रति उपकार करो का तोरा सन्मुख होई न सकत मन मोरा सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही देखे कर विचार मन माही पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता लोचन नीर पुलक अति गाता सुनि प्रभु बचन बिलोकि मुख गात हर्षि हनुमंत सियाराम चरण परे उ प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत सियाराम सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया और वे बोले मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु विपत्ति तो तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। हे प्रभु राक्षसों की बात ही कितनी है आप शत्रु को जीतकर जानकी जी को ले आएंगे। भगवान कहने लगे हे हनुमान सुन तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार तो क्या करूं मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। हे पुत्र सुन मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बार बार प्रभु चहई उठावा प्रेम मगन तेहि उठब न भावा प्रभु कर पंकज कपि के सीसा सुमिरि सुदसा मगन गौरी सा सावधान मन करि पुनि संकर लागे कहन कथा अति सुंदर कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा कर गहि परम निकट बैठावा कहु कपि रावण पालित लंका केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना बोला बचन विगत अभिमाना साखा मृग के बड़ी मनुसाई साखा ते साखा पर जाई नाघि सिंधु हाटक पुर जारा निसिचर गन बधि विपिन उजारा सो सब तब प्रताप रघुराई नाथ न कछु मोरी प्रभुताई ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं जा पर तुम अनुकूल सियाराम तब प्रभाव बढ़वा न लही जारी सकई खल तूल सियाराम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। प्रभु उनको बार बार उठाना चाहते हैं परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है उस स्थिति का स्मरण करके शिवजी प्रेम मग्न हो गए। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। हे हनुमान बताओ तो
रावण के द्वारा सुरक्षित लंका उसके बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया? हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले, बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वह एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांग कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, यह सब तो हे श्री रघुनाथ जी आप ही का प्रताप है। हे नाथ, इसमें मेरी बड़ाई कुछ भी नहीं है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है प्रभु। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। नाथ भगति अति सुखदायनी, देहु कृपा करि अनपायनी। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहे भवानी। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव न आना। यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुनि प्रभु वचन कहहि कपि बृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बोलावा, कहा चले कर करहु बनावा। अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कहु आयसु दीजे। कौतुक देख सुमन बहु बरशी, नभते भवन चले सुर हर्षी। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ सिया राम। नाना बरन अतुल बल, बानर भालु बरूथ सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्तु कहा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो, अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की ये लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। प्रभु पद पंकज ना वही सीसा, कर जहि भालु महाबल की सा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नैना। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पच्छ जुत मन हु गिरिंदा। हर्षि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। जासु सकल मंगलमय कीति, कासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, हर की बाम अंग जनु कहि देही। जोई जोई सगुन जान की ही होई, असगुन भयो रावण ही सोई। चला कटक को बर ने पारा, गर जही बानर भालु अपारा। नख आयुध गिरि पादप धारी, चले गगन मही इच्छा चारी। के हरिनाद भालु कपि करही, जगमगाहि दिग्गज चिक करही।
वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया, उनके सुंदर और शुभ शकुन हुए। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, अर्थात लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह देते थे कि श्री राम जी आ रहे हैं। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अब शकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ कर रहे हैं। जडोल मही गिर लोल सागर खर भरे मन हर्ष सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख तरे कट कट ही मर कट बिकट भट बहु कोटि को धावही जय राम प्रबल प्रताप को सलनाथ गुण गन गावही सही सकन भार उदार अहि पति बार बार ही मोहि गहत सन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ कठोर सो किम सोही रघुबीर रुचिर प्रयान प्रस्थिति जानी परम सुहावनी जनु कमठ खर पर लिखत अबिचल पावनी एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर सिया राम जहाँ तहाँ लागे खान फल भालु विपुल कपि वीर सिया राम दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए अर्थात कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कोसल नाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। उदार महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। हमारे
निशाचर रहहि ससंका, जब तिजारि गयउ कपिलंका, निज निज ग्रह सब करहि बिचारा, नहि निशचर कुल केर उबारा, जासु दूत बलबरनि न जाइ, एहि आए पुर कवन भलाई, दूतिन सन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी, रहसि जोरि कर पति पग लागी, बोली बचन नीति रस पागी, कंत करश हरि सन परिहरहु, मोर कहा अति हित हिय धरहु, समुझत जासु दूत कई करनी, स्रवहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारि निज सचिव बोलाई, पठवहु कंत जो चहु भलाई, तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनहु नाथ सीता बिनु दीने, इतन तुम्हार संभु अज कीन्हे, राम बान अहि गन सरिस, निकर निसाचर भेत सिया राम, जब लग ग्रसतन तब लगी, जतन करहु तज टेक सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है, अर्थात हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। वो एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी से बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही, अर्थात स्मरण आते ही, राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान हैं और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं जाते, तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लो। सठता करिबानी, बिहस जगत विदित अभिमानी, सभय सुभाव नारि कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा, जो आवै मर कट कट काई, जियहि बिचारे निसचर खाई, कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारे सभीत बड़ी हासा, अस कहि बिहसि ताहि उरलाई, चले सभा ममता अधिकाई, मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विधि विपरीता, बैठे सभा खबर सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई, बूझे सी सचिव उचित मत कहु, ते सब हसे मस्त कर रहु, जिते हु सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के लेखे माही, सचिव पैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस सिया राम, राज धर्म तन तीन कर होई बेग ही नास सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा। स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हो,
तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कमजोर है। यदि वानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, अर्थात ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। रावण कहूँ बनी सहाई, स्तुति करही सुनाई सुनाई। अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण सीसु तेहि नावा। कुन सिरु नाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जौ कृपाल पूछी हूँ मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, दजौ चौथी के चंद किनाई। चौदह भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहै न को। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ सियाराम। सब परिहरि रघुबीर हि, भजहु भजहि जेहि संत सियाराम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। रावण के लिए भी वही सहायता बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया, फिर सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले। हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूं। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। हे नाथ, काम, क्रोध, मद और लोभ, ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। नर भूपाला, भुवनेश्वर का लहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनु धारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताहि बयरु तजिनाइ अमाथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही,
भजहु राम बिनु हेतु सनेही, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावन। बार बार पद लागऊं, विनय करौ दस शीस सिया राम। हरि हरि मान मोह मद, भजहु कोसलाधीस सिया राम। मुनि पुलस्ति निज शिष्य सन, कहि पठाइ यह बात सिया राम। तुरत सुमय प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात सिया राम। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार हैं। वे निरामय, विकार रहित, अजन्मे, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गो और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई, सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरण कमलों में विनती करता हूं कि मान, मोह और मद को त्याग कर आप कोसलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कह दी। अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहु जो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत सठ दो, दूरि न करहु इहां है को। माल्यवंत ग्रह गयउ बहोरी, कहै विभीषण पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही। जहां सुमति तह संपति नाना, जहां कुमति तह विपति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निसिचर कुल केरी, तेह सीता पर प्रीति घनेरी। तात चरण गहि मागौ, राखहु मोर दुलार सिया राम। सीता देहु राम कहु, अहित न होइ तुम्हार सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण अर्थात नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। यहां कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि अर्थात खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है।
जहां सुबुद्धि है वहां नाना प्रकार की संपदाएं अर्थात सुख की स्थिति रहती है, जहां कुबुद्धि है वहां परिणाम में विपत्ति अर्थात दुख रहती है। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूं कि आप मेरा दुलार रखिए अर्थात मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए, श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए जिसमें आपका अहित न हो। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। बुध पुराण श्रुति सम्मत बानी कही विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा रिपु कर पच्छ मूढ़ तो ही भावा, कहसि न खल अस को जग माही भुजबल जाहि जिता मैं नाही। बमपुर बसि तप सिंह पर प्रीति सठ मिलु जाय तिन्हि कहु नीति। अस कही कीन हिसि चरण प्रहारा अनुज गहे पद बारही बारा। उमा संत कई यही बड़ाई मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा राम भजे हितनाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नभ पथ गयो सब ही सुनाई कहत अस भयो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरि सियाराम। मैं रघुबीर शरण अब जाऊं देहु जन खोरि सियाराम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूर्ख, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं से न जीता हो। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर। मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। शिवजी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे, श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। कही चला विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल कै हानि। रावण जब ही विभीषण त्यागा भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। चले उ हर्ष रघुनायक पाही करत मनोरथ बहु मन माही। देखि हाँ जाय चरण जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी दंडक कानन पावन कारी।
जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए, हर उर सर सरोज पद जे, अहो भाग्य मैं देखी हूं ते। जिन पायन के बाद कन्ही घर तु रहे मन लाय सिया, ते पद आज बिलो की हूं इन नयन ही अब जाय सिया। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, अर्थात उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि कर देता है। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। विधि करत सप्रेम विचारा, आयउ सपदि सिंधु एही पारा, कपिन विभीषण आवत देखा, जाना को रिपुदूत विशेषा, ताही राखी कपीस पही आए, समाचार सब ताही सुनाए, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, आवा मिलन दसानन भाई, कह प्रभु सखा बूझिए कहा, कहई कपीस सुनहु नर नाहा, जानि न जाय निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया, भेद हमार लेन सठ आवा, राखी बांधी मोहि असुभावा, सखा नीति तुम नीकी बिचारी, ममपन सरनागत भयहारी, सुनि प्रभु बचन हरष हनुमाना, सरनागत बच्छल भगवाना, सरनागत कहूँ जे तजही, निज अनहित अनुमान सियाराम, ते नर पावर पाप मय, तिनहि बिलोकत हानि सियाराम। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जहां श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। उन्हें पहरे पर ठहराकर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री राम जी के पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है, जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध के रखा जाए। श्री राम जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे, भगवान कैसे शरणागत वत्सल है, लगता है आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। श्री राम जी फिर बोले,
जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं वे पामर हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। बदला गही जाहु आए सरन तजऊ नहीं ताहु सन्मुख होई जीव मोहि जबही जन्म कोटि अघना सही तबही पापवंत कर सहज सुभाओ भजन मोर तेहि भाव न ताओ जौ पै दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आव की सोई निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छेद्र न भावा भेद लेन पठवा दस सीसा तबहु न कछु भय हानि कपीसा जग महु सखा निसाचर जेते लक्ष्मणु हनय निमिष महु देते जौ सभीत आवा सरनाई रखि हऊँ ताहि प्राण की नाई भय भांति तेहि आनहु हसि कह कृपा निकेत सियाराम जय कृपाल कहि कपि चले अंगद हनु समेत सियाराम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी का यह सहज स्वभाव है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सम्मुख आ सकता था? जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है तब भी हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय या हानि नहीं है, क्योंकि हे सखे जगत में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं तो उसे प्राणों की तरह ही रखूंगा। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सादर ते ही आगे करि बानर चले जहां रघुपति करुणा कर दूरी ही ते देखे द्वो भ्राता नयनानंद दान के दाता बहुरी राम छवि धाम बिलोकी रहे उठटुक एक टक पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन सिंह कंध आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नयन नीर पुलकित अति गाता मन धरि धीर कहे मृदु बाता नाथ दसानन कर मैं भ्राता निश्चर वंश जन्म सुर त्राता सहज पाप प्रियता मस देहा जथा उलू कहि तम पर नेहा श्रवण सुजस सुनियायौ प्रभु भंजन भव भीर सियाराम त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुबीर सियाराम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहां चले जहां करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोककर ठिठक कर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं, और शरणागत के भय का नाश करने वाला
सांवला शरीर है, सिंह के से कंधे हैं, विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है, मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार पर सहज स्नेह होता है, मैं कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि प्रभु भव अर्थात जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीन वचन सुनि प्रभु मन भावा, भुज विशाल गहि हृदय लगावा, अनुज सहित मिलि ढिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठाहर वास तुम्हारा, खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निबहै के ही भांति, मैं जानौ तुम्हारी सब रीति, अतिनय निपुन न भाव अनीति, बरु भल बास न रख करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन्ही जानि जन दाया, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम सिया राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए, उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है, दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सखे तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है, मैं तुम्हारी सब रीति अर्थात आचार व्यवहार जानता हूं, तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती, हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूं, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम को नहीं भजता। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। तब लगी हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मदमाना, जब लगी उर न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाथा, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखी राम पद कमल तुम्हारे, कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध भवसूला, मैं निसिचर अति अधम सुभाओ, शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ, या स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तेह
तिन्हीं प्रभु हर्ष हृदय मोहि लावा। अहो भाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज सिया राम। देखेउ नयन बिरंची शिव सेव्य जुगल पद कंज सिया राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु का प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणारविंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूं, मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल अर्थात आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक ताप नहीं व्याप्ते। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूं प्रभु, मैंने कभी शुभ आचरण किया ही नहीं। जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। कहो सुभाओ जान भुसुंड शंभु गिर जाओ। जौनर होई चराचर द्रोही आवे सभय सरन तक मोही। तज मद मोह कपट छल नाना करो सत्य तेह साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सब कै ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर्वर कैसे लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे धरौ देह नहीं आन निहोरे। सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम सिया राम। ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम सिया राम। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूं जिसे काक भुशुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानती हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूं। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है अर्थात सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र सिर्फ मुझे बना लेता है, जो समदर्शी है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है, ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है, मैं और किसी के निहोरे से देह धारण नहीं करता। जो सगुण अर्थात साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। हमारे राम जी से राम राम
केस सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूता, सकल कहहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवनामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतर जामी। उर कछ प्रथम बासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कहि प्रभु रन धीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। जदपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, स्वास समीर प्रचंड सियाराम। जरत विभीषण राखेउ, दीन हेउ राज अखंड सियाराम। जो संपति शिव रावण ही, दीन ही दिए दस माथ सियाराम। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन ही रघुनाथ सियाराम। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपर्युक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है हृदय में जो समाता ही नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपने विभीषण की श्वास अर्थात वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को दसों सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचते हुए दे दी। छाड़ी भजहि जे आना, ते नर पस बिनु पूछ बिशाना। निज जन जानिता ही अपनावा, प्रभु सुभाव कपि कुल मन भावा। पुन सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। सुन कपीस लंका पति बीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झष जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि तदपि नीति असि गाई, विनय करिय सागर सन जाई। प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि, कहि उपाय विचार सियाराम। बिन प्रयास सागर तरिहि, सकल भालु कपि धार सियाराम। हमारे राम जी से राम राम।
ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन कारण से मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। सखा कहे तुमने की उपाय, करिय देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्य मन मन भावा, राम वचन सुनि अति दुख पावा। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोषिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। सुनत बिहसि बोले रघुबीरा, ऐसे ही कर बधरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, समीप गए रघुराई। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। सकल चरित तिन्ह देखे, धरे कपट कपि देह सिया। प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत पर नेह सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हो, ये सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। ये देव तो कायर के मन का एक आधार है, आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। ये सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। नहीं राम सुभाव, अति सब प्रेम गाभि सरि दुराव। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पठवहु निसचर। सुनि सुग्रीव बचन कपि धाय, बांधि कटक चहु पास फिराय। बहु प्रकार मारन कपि लागे, कारत तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, देहि कोसला धीस के आना।
सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागे हसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल खाती। कहे मुखागर मूढ़ सन, मम संदेश उदार सिया राम। सीता दे मिलहु न त आवा काल तुम्हार। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कोसलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में ये चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बांचो। फिर उस मूर्ख से जवानी ये मेरा कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुन गाथा। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाई। बिहसि दसानन पूछी बाता, कहसि न सुख आपन कुसलाता। पुनि कहु खबर विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। करत राज लंका सख त्यागी, होइ जव कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। कहु तप सिंह के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। की भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर। सिया राम कहसि न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। सिया राम हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नमाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे शुक, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता? फिर उस विभीषण का समाचार सुना? मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहां चली आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुयश सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित बहुत ही भौचक का सा हो रहा है। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। नाथ कृपा करे पूछे हु जैसे, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। रावण दूत हमहि सुनि काना, कपिन बांधि दीन्हे दुख नाना।
श्रवण नासिका काटे लागे, राम सपत दीने हम त्यागे। पूछी हुनात राम कटकाई, बदन कोटि सत बरन न जाई। नाना बरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। जेहिपुर दहे उहते उसुत तोरा, सकल कपिन महते ही बल थोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। द्विविध मयंद नील नल, अंगद गद बिकटासिया। दधि मुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बल रासि सियाराम। ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है, वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, जब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, ये कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहां तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा है, उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निषठ शठ और जांबवान, ये सभी बल की राशि हैं। कपि सब सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई कुनाना। राम कृपा अतुलित बल तिन्हि, त्रिन समान त्रैलोक गनई। अस मैं सुना श्रवण दस कंधर, पदुम 18 जूतप बंदर। नाथ कटक महसो कपि नाही, जो न तुम्हि जीतै रन माही। परम क्रोध मी जहि सब हाथा, आय सुपैना देहि रघुनाथा। सोषहि सिंधु सहित झष ब्याला, पूरहि नत भरि कुधर विशाला। मर्दि गर्द मिल वहि दस सीसा, ऐसे वचन कहहि सब कीसा। गर्जहि तर्जहि सहज असंका, मानहु प्रसन्न चहत हहि लंका। सहज सूर कपि भालु सब, पुनि सिर पर प्रभु राम सिया राम। रावण काल कोटि कहूं, जीत सकहि संग्राम सिया राम। हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुतों को तो मैं गिन ही नहीं सकता। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है, वे तीनों लोकों को तृण के समान समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो केवल वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं जो आपको रण में जीत न सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पाट देंगे और रावण को मसलकर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सब वानर भालू सहज ही शूरवीर हैं, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं।
लाई, शेष सहस सत सकही न गाई, सकसर एक सोष सत सागर, तब भ्रातहि पूछे नयनागर, तासु बचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही, सुनत बचन बिहसा दस सीसा, जौ असि मति सहाय कृत कीसा, सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई, मूढ़ मृषा का करसि बड़ाई, रिपुबल बुद्धि था मैं पाई, सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जगता के, सुनिखल बचन दूत रिस बाढ़ी, समय विचारि पत्रिका काढ़ी, रामानुज दीनी यह पाती, नाथ बचाई जुड़ा बहु छाती, विहसी बाम कर लीन ही रावण, सचिव बोली सत लाग बचावन, बातन मन ही रिझाई सठ, जनि घालस कुल खीस सिया राम, राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस सिया राम, गीत जिमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भृंग सिया राम, होहि कि राम सरानल, फल कुल सहित पतंग सिया राम, हमारे राम जी से राम राम, कहियो जी हनुमान। श्री रामचंद्र जी के तेज सामर्थ्य बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्रों को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए आपके भाई से उपाय पूछा। आपके भाई के वचन सुनकर श्री राम जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखते नहीं। दूत के ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया है। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रमाण करके उन्होंने समुद्र को मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है। बस मैंने राम के बल और बुद्धि की थाह पा ली। दूत ने कहा, श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है, हे नाथ इसे बचवाकर छाती ठंडी कीजिए। ब्राह्मण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख उसे बचाने लगा। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट न कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे दुष्ट, श्री राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतिंगा हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सभय मन मुख मुसुकाई, कहत दसानन सब ही सुनाई, भूमि पराकर कहत अकासा, लघु तापस कर बाग बिलासा, कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी, सुनहु बचन मम परिहर क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा, अति कोमल रघुबीर सुभाओ, यद्यपि अखिल लोक कर राओ, मिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, उर अपराध न एकौ धरही, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एत न कहा मोर प्रभु कीजे, जब ते ही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार कीन सटते ही, नाई चरण सिर चला सो तहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा आपन गति पाई, ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी,
नंदि राम पद बारहि बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीत सिया राम। बोले राम सकोप तब, भय बिनु होइ न प्रीत सिया राम। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण वाग विलास करता है, डींगे हांकता है। शुक ने कहा, अर्थात उनके दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए, क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए प्रभु। हे नाथ, श्री राम जी से बैर त्याग दीजिए। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने के लिए कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी और वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहां कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति अर्थात मुनि का स्वरूप पाई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। इधर तीन दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। सरासन आनु सौषों पारिधि बिसिख कृसानु सख सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपन सन सुंदर नीति ममतारत सन ज्ञान कहानी अति लोभी सन विरति बखानी क्रोधि सम कामी हरि कथा ऊसर बीज बए फल जथा अस कही रघुपति चाप चढ़ावा यह मत लक्ष्मण के मन भावा संधा ने उ प्रभु भिसिख कराला उठी उदधि उर अंतर ज्वाला मकर उरग झश गन अकुलाने जरत जंतु जल निधि जब जाने कनक थार भरि मनि गन नाना विप्र रूप आयउ तजि माना काटे ही पै कदरी फरई कोटि जतन को सीत सिया राम विनय न मान खगेश सुन काटे ही पै नव नीच सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊसर में बीज बोने से होता है। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। ये मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काक भुशुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे,
पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, अर्थात रास्ते पर आता है। सिंधु गहि पद प्रभु के रे क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए प्रभु आयस जेहि कह जस अहै सोते ही भांति रहे सुख लहै प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दीनी मर जादा पुन तुम्हारी कीनी ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई उतरी कटकु न मोरी बढ़ाई प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई बचन अति कह कृपाल मुसुकाय सिया राम जेहि विधि उतरै कपि कटकु तात सो कहहु उपाय सिया राम हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है, जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे दंड दिया, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गंवार शुद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं, तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। शिशुपाई दिन के परसतिये गिरि भारे तरिहि जलधि प्रताप तुम्हारे मैं पुनि उर्धर प्रभु प्रभुताई करिहौं बल अनुमान सहाय एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई जेहि यह सुजसु लोक तिहु गाई एहि सर्वम उत्तर तट बासी अथहु नाथ खल नर अघरासी सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरत ही हरि राम रन धीरा देखि राम बल पौरुष भारी हर्ष पयो निधि भयो सुखारी सकल चरित कहि प्रभु ही सुनावा चरण बंदि पाथो धिसि धावा समुद्र ने कहा, हे नाथ नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर
अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप की राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। भवन गवने सिंधु श्री रघुपति ही यह मत भायो, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय समान दवन विषाद रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुण गान, सादर सुनहिते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अर्थात अन्य साधन के ही भवसागर को तर जाएंगे। मास पारायण 24वां विश्राम। इति श्री मद्राम चरित मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने पंचमः सोपानः समाप्तः। सुंदरकांड समाप्त। प्रिय राम भक्तों को मैं शैलेंद्र भारती जय श्री राम कहते हुए आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम।